हम खट्टर सरकार से ये किसान नारी पूछना चाहती है, आपने इस कॉलेज की नींव तो रखी, उसकी स्थापना पूरा क्यों नहीं किया? आपने MBBS फीस बढ़ाने का काम जो आज 50 लाख रुपए करती है, इस पर इतना जोर आपने क्यों दिया? जो हमारे बच्चे का भविष्य था, जो तन मन धन से नीट क्लियर कर देता है, और आज उसके माँ बाप 50 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? कैसे वे अपने बच्चों का भविष्य, कैसे वे अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाएंगे? किसान आंदोलन को चलते हुए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही। याद करो हमारे पूर्वजों को, सर छोटू राम को, भीमराव अम्बेडकर को, भगत सिंह को, उधम सिंह को, राजगुरु सुखदेव सिंह को, और अपनी बहने सावित्री बाई फूले को, फातिमा शाह को, झांसी की रानी को। आज आप इस आंदोलन में क्रांति की जरूरत है। आज हमें गांव-गांव से, हर घर घर से, हर गली गली से, हर बच्चे बच्चे को इस आंदोलन में जोड़ना होगा, और हमारे इस आंदोलन को जन सैलाब आंदोलन बनाना होगा। यह आंदोलन एक सत्याग्रह आंदोलन है, यह आंदोलन एक धर्म युद्ध है, यह आंदोलन एक किसान मजदूर आंदोलन नहीं, जन सैलाब आंदोलन है। ये किसान नारी पीछे नहीं हटेगी। मोदी जी चाहते थे कि मेरे देश का अन्नदाता अकेला है, लेकिन उसको ये नहीं पता था मेरे देश के अन्नदाता के साथ मजदूर भी है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, और ये किसान नारी भी उसके साथ है। छोटा का कोई बात नहीं, किसान नारी भी उसके साथ है। जिस तरह ये किसान नारी अपने देश के अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, उसी प्रकार की इस आंदोलन में पूरा सहयोग दे रही है। हम मोदी और खट्टर सरकार को बताना चाहते हैं कि ये मोदी और खट्टर सरकार आज ये किसान नारी नहीं, आग का गोला है। आज ये किसान नारी नहीं, एक चिंगारी है। आज ये किसान नारी नहीं, झांसी की रानी है। आज ये किसान नारी नहीं, हिंदुस्तान की शेरनी है, हरियाणा की शेरनी है। मेरी माताओं खड़ाओ, जागो, अपने अंदर सोए जुनून को जनक जगाओ। मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन मेरे देश के अन्नदाता की पगड़ी को नहीं झुकने देंगे, मेरे देश के मजदूर को भूखा नहीं सोने देंगे, मेरे देश के अन्नदाता की धरती को दूसरे के हवाले नहीं जाने देंगे। अरे देश में कितना ही क्यों ना लग जाए, लेकिन हमारी मांग पक्की है, पूरी करके उठेंगे, काले कानून वापिस करवा के उठेंगे, MSP पर कानून बनवा के उठेंगे। आज दिल्ली के बॉर्डर पर मेरे देश के 300 से ऊपर ज्यादा अन्नदाताओं ने शहादत दे दी है, हम उनकी शहादत को खाली नहीं जाने देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उनकी शहादत को याद रखेंगे। माताओं बहनों जागो, अपने अंदर एक क्रांति लाओ, अपने बच्चे के भविष्य को बचाओ। सर छोड़ हमारे मसीहा थे, सर छोटू राम, वो कहते थे गांव-गांव में जनसभाएं करते थे, ए मेरे भोले किसान, मेरी दो बात मान ले, बोलना ले सीखो, दूसरा दुश्मन पहचान ले। हम उनके चलाए रास्ते पर नहीं चले, अगर हम उनके चलाए रास्ते पर चलते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज वो समय आ गया है, पहचानो इन BJP के JJP के नेताओं को, आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, इनको कभी भी माफ नहीं करना। ये दल बदलू है, आने वाले समय में ये अपना आने वाले समय में ये दूसरी पार्टियों में भी जा सकते हैं, लेकिन हमें पहचानना होगा, हमें जागना होगा। आज मेरे सीने में दर्द है, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बहन हूँ, किसान की पत्नी हूँ, और खुद भी एक किसान हूँ। हम किसान नेताओं के हौसले बुलंद करने हैं, हमें किसान नेताओं के हौसले बुलंद करने हैं। समय का अभाव है तो नारे और लगवाती हूँ, जय जवान, जय जवान, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान नारी एकता, किसान नारी एकता, किसान इंकलाब। हे मेरे देश के अन्नदाताओं आगे बढ़ो, हे मेरे देश के मजदूरों आगे बढ़ो, ऐसा होता है, हे मेरे देश के किसान नेताओं आगे बढ़ो। यह बताना चाहते मोदी और खट्टर सरकार को, आने वाले समय में मेरे देश का अन्नदाता और मजदूर इतिहास बदल के
धन्यवाद। इन क्षणों के बीच में हमारे लक्ष्मी बाई। महारानी लक्ष्मी बाई।